लिखो, पहले बेसिक क्वेश्चन कुछ दे दे रहे हैं, वो क्वेश्चन दे दे रहे हैं कि अगर वो डेटा दिया हुआ रहता है उसमें तुमको वहां से तुमको उसको ये टेबलर फॉर्म में बदलना होगा, लेकिन ग्रुप एक फॉर्म में। डाउट पहले एक टर्म का पूछ सकते हैं किसका क्या? सर? एक टर्म था उसमें डाउट था सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या अंतर है? आएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी पढ़ाई नहीं है ना, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शुरू करेंगे तो हम बता देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बहुत क्वेश्चन है, वही तो सीखना मेन होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सर उसमें ये मोर देन टॉपिक फैक्टर। मीडियन में आता है क्या? मीन मीन में भी जरूरत नहीं, मीन में, हाँ मीन में भी जरूरत पड़ेगा, वो जब तुम तीन फार्मूला सर सीखेंगे मीन ना, में तो नहीं पढ़ना चाहिए ना, वो तो सिग्मा एफ आई एक्स आई वाई सिग्मा एक्स तुम आई। एक ही फार्मूला सीखी ना मीन में, अभी भी अभी मीन का बाकी दो फॉर्मूला में शायद नहीं ही है, मीडियन के फॉर्मूला में एग्जिस्ट करता है और मोड के फॉर्मूला में आता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज। लेकिन कभी कभी तुमको जरूरत पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कहाँ पे यूज होता है, तो मतलब जैसे तुम ऐसा डेटा देखते होगे लेस देन, अब ये लेस देन 50 में कितने बच्चे हैं तो 10 बच्चे हैं, फिर लेस देन 60 में कितने बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, तो इसको तुमको ग्रुपिंग में चेंज करना है, मतलब 40 से 50 में कितने बच्चे हैं, तो फिर इस जगह तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज आएगा ही आएगा। तो अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, पहुंचेंगे तो बता देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज है हर बहुत जगह पे, इस तरीके का डाटा देखता है ना तुम लोग, लेस देन 50 में 10 बच्चे, लेस देन 60 में 20 बच्चे। यस सर। हाँ सर, बहुत सारा क्वेश्चन भी देखे उसके बेसिस हाँ, पे। तो उस बेसिस पे तुम ग्राफ वगैरह नहीं ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, उसको क्यूमुलेटिव वो उस डेटा को चेंज करना होगा एग्जैक्टली ग्रुप फॉर्म में, 10 10 के गैप में, फिर वहां से तुम उसका ग्राफ वगैरह या जो भी वहां से बना सकते हो। तो वहां तक पहुंचेंगे तो सारा टर्म हम डिस्कस कर देंगे, आराम से पढ़ाएंगे वो, हम 10 वेन सब क्लास 10 का भी हमको कवर करना है ना, तो सब कुछ डिस्कस होगा, पहले 9th वाला तो कर ले। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखो। वो क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा रहा कि डेटा दिया हुआ है उसको टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करो टेबुलर फॉर्म में, वो काम तो कर लेगा तुम लोग, कर लोगे ना, डेटा दिया हुआ है उसको टेबुलर फॉर्म में बस डाल देना है टैली मार्क्स वगैरह लगा करके, तो वो काम कर लोगे, वो क्वेश्चन खुद से बनाना। अब जो क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उस पे हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, लिख लो हेडिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ग्रुप का हम नहीं करवा रहे हैं, वो आना चाहिए तुम लोग को, आता है ना सबको, कंफर्म करो फटाफट। एंड ग्रुप में उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में कर लोगे ना, बोलता ही नहीं है नालायक, सब कर ही लेगा फिर। चलो क्वेश्चन लिखो इस पे। हम बस डेटा लिख रहे हैं और उसमें हम बता देंगे क्या है, कुछ डेटा है तुम्हारे पास जैसे कि 31, 23, 29, 19, 22, लिखते चलना फटाफट, 20, 16, 10, 13, 30, फिर इससे अच्छा तो हम बुकलेट से करा देते। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से कर लो, बाकी बुकलेट से करवा देंगे। 38, 33, 28, 18, 15, 36, 24, 18, 15, ठीक है इतना ही रहने देते हैं। इसको तुमको क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड 7-4 लेना है, जो क्लास इंटरवल है या इसको क्लास इंटरवल उसका क्लास साइज, क्लास इंटरवल के क्लास साइज को 4 रखना है, कितने में 4 रखना है, और इसको तुमको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, करके दिखाओ। सर थोड़ा टाइम दीजिएगा प्लीज। हाँ, टाइम दे रहे हैं, क्लास साइज 4 रखोगे, कितने को आता है एक एग्जांपल बता दे या कर लेगा सब कोई, एक सिखा दे क्या? यस सर। चलो ठीक है, एक सिखा देते हैं, जिससे बनेगा बनाओ। देखो तुमको अनग्रुप ये डेटा दिया हुआ रहेगा
और बोलेगा कि वहां से तुमको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। अनग्रुप बोलता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, अनग्रुप बोलता तो 29 में कितने बच्चे, एक बच्चे और उसका टैली मार्क, 30 में कितने बच्चे, दो बच्चे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप वाले में तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जब ग्रुप में बोल दिया करने को तो उसके लिए क्या क्या करना है वो जानो। सबसे पहला काम, इसका रेंज निकालोगे। क्या निकालोगे? रेंज। तो बताओ जी प्रवीण, तुम्हें रेंज कितना होगा? रेंज याद है? यस सर, मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रेंज इसका कितना हो जाएगा? 38 मैक्सिमम है और मिनिमम कितना है देखो जरा, मिनिमम है 13। 10 भी है। 10 है सर। अच्छा 10 भी है, तो रेंज 28 हो गया। ठीक है, अब क्लास साइज कितना रखना है वो देख लेना। क्लास साइज कितना रखना है? 4 रखना है। तो क्लास साइज हमारा 4 है, तो अब तुमको निकालना पड़ेगा टोटल इंटरवल हम कितना बना सकते हैं। तो टोटल इंटरवल के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? नंबर ऑफ इंटरवल कैसे निकलता है? रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। तो तुमको अब क्या करना होगा, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना होगा सबसे पहले। तो कितना होगा वो होता है रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। तो रेंज इसका कितना है? 28 है। क्लास साइज क्या है? 4 है। यानी तुमको टोटल कितने इंटरवल बनाने होंगे? 7 इंटरवल बनाने होंगे। अब जो 7 इंटरवल बनेगा, तो जो सबसे पहला इंटरवल आएगा वो कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहला इंटरवल जो सबसे लोअर वैल्यू है, तो सबसे लोअर वैल्यू क्या है? 10 है, और क्लास साइज 4 रखना है, तो सबसे लोअर वैल्यू 10 से लेकर के 14। फिर अगला इंटरवल कितना बन जाएगा? कंटिन्यूअस रखना या डिसकंटिन्यूअस रखना होगा बताओ? कंटिन्यूअस रखेंगे। कंटिन्यूअस रख लेना, तो 14 से लेकर के 18, फिर 18 से लेकर के 22, ऐसा करके जो हाईएस्ट वैल्यू 38 है वहां तक का बना जाओ। अब कर लेगा ना प्रवीण? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देंगे, प्रैक्टिस कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को पूछना है कुछ? पूछना है तो पूछो। क्या क्या पढ़ा दिए सर? कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस बाकी गपशप कर रहे थे शुरू में इसलिए। आता है? तुम तो लेट से ज्वाइन की। बाहर थे। ओके चलो ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और देते हैं, इस पे प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन क्या ही देना है वो तो खुद से भी क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा लिख लो कुछ, जैसे तुम्हारे क्लासरूम का एक क्लास मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट का डेटा लिख लो 40 से ये, तो 10 लिख लो, 11 लिख लो, 15, 17, 16, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऐसा करके 5, 8, 7, 11, 13, 15 कुछ भी रख लो इसका। तुम क्या करो, क्लास साइज इस क्वेश्चन के लिए 2 रखो, ठीक है? क्लास साइज 2 रखो और इसका इंटरवल तैयार कर लो फटाफट। सर पहला वाला का हो गया। हाँ आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। 18, 20, 19 इतना है तुम्हारे पास डेटा। इसमें तुमको सारे क्लास साइज कितना रखना है? 2 का क्लास साइज रखना है, टेबल तैयार करना है, कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। सर ऊपर वाले में टोटल नंबर ऑफ कितना था, मतलब क्या, मतलब जो भी नंबर ऑफ डेटा जो था कितना है? मेरे को क्या पता, 7 इंटरवल बना ना, 7 इंटरवल में सब कुछ आ गया था, ये ज्यादा लग गया, ज्यादा कहां से लगेगा? क्या पूछना है तुमको? काउंट करना पड़ेगा उसको, गिनिए ना वो कितना। अच्छा यही काम बच गया है, हम ही गिने बैठ के, वो तेरा काम है, काउंट करते रहो। ठीक है छोड़ो ना वो उतना, यार ये सब में लोड क्यों ले रही है ये सब क्वेश्चन के लिए, जब एग्जाम में प्रॉब्लम है। 19 है सर। ठीक है
ठीक है 19 होगा। चलो नेक्स्ट बन गया, बन ही जाना चाहिए। सर इसका रेंज है 12 और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 6। ठीक है, रेंज कितना आ गया? मैक्सिमम 12 कैसे आएगा? मैक्सिमम वैल्यू 20 है, मिनिमम वैल्यू 5 है, तो रेंज तो 15 होगा ना जी। रेंज 15 होगा तो क्लास साइज 2 है, तो 15/2 यानी 7.5, यानी तुमको क्लास टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 8 रखना है। ठीक है, हमेशा ज्यादा रखना, कम मत रखना कभी भी। क्लास इंटरवल 8 रखो और बना जाओ क्वेश्चन को। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो जाएगा यार, बुकलेट में क्वेश्चन होगा वहीं से मिलते। सेकंड बन जाएगा ना सबसे? सर बन गया। हाँ ठीक है, ये समझो तुम लोग का रिवीजन चल रहा है, ये सब आना चाहिए सबको। जिसको नहीं आता है वो सीख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नाइन्थ में उतना ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, क्लास टेन का फॉर्मूला सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट याद हो जाएगा वो सब भी एक टाइम पे। हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है ठीक है। सर हम लोग पाई चार्ट नहीं है क्या इस बार? नहीं जी, पाई चार्ट क्लास 8 में पढ़ना है, 9 में नहीं पढ़ना है। क्या करेगी वो सब पढ़ के? हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ तो जरा। देखो पहले टाइप का क्वेश्चन हम करा दिए, इसको टाइप 2 में रख करके बनाना है तो बना सकते हो, मतलब तुम लोग को फिर सहूलियत होगा और नोट्स देखने में। वो जो क्वेश्चन था वो टाइप 1 में रख लो, और ये जो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं इसको टाइप 2 में रख लो। ठीक है, बनाओ क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ से एक चीज बताना, कोई अगर मीड वैल्यू दिया हुआ है किसी भी इंटरवल का, मीड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में था मीड वैल्यू 70, पहले क्लास इंटरवल का मीड वैल्यू इसमें क्या दे रखा था? 70 दे रखा था। तो तुमको मीड वैल्यू से लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं सर हम बताएं? एक मिनट लिख लेने दो। मीड वैल्यू, क्वेश्चन अच्छे से समझना, किसी भी क्लास इंटरवल का मीड वैल्यू दिया हुआ है, अब वहां से तुमको क्या निकालना है, उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्लास साइज तो नोन होगा ना? हाँ इसमें क्लास साइज दे रखा है, क्लास साइज भी तो देगा ना, 20 है। हाँ तो क्लास साइज 20/2 को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना मीड वैल्यू पे, और क्लास साइज अगर दिया हुआ है जैसे इसका क्लास साइज 20 है, तो तुमको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट निकालना है, तो कैसे निकलता है बताओ? मिड वैल्यू प्लस क्लास साइज बाय 2 और माइनस क्लास साइज बाय 2।
लोअर लिमिट के लिए क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट किससे? सब्ट्रैक्ट क्लास साइज बाय 2 को मिड वैल्यू. हाँ, तो लोअर लिमिट के लिए क्या करना, जो तुम्हारा मिड वैल्यू है मिड वैल्यू से माइनस कर देना क्लास साइज से. क्लास साइज से माइनस करोगे या क्लास साइज बाय 2? बाय 2. बाय 2. और अपर लिमिट के लिए क्या करोगे? बस ऐड कर देंगे, माइनस के जगह प्लस कर लेना. ये फॉर्मूला लिख लो. सर एक और टाइप से निकाल सकते हैं? बताओ, तुम भी बताओ. सर जैसे 70 इक्वल्स टू एक को x ले लिए, एक को x प्लस 20 ले लेंगे, x प्लस 20 बाय 2 करके निकाल लेंगे. फिर से बोलो. सर जैसे लोअर क्लास मार्क इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है ना, तो क्लास मार्क 70 दिया हुआ है इधर, तो 70 इक्वल टू अब हम लोअर लिमिट x ले लें तो अपर लिमिट x प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 बाय 2. बाय 2 ठीक है. तो दो तरीका है, दोनों में से किसी को भी ध्यान में रखो. अब ये क्वेश्चन बना लो. आ गया समझ में? ये बहुत जरूरी चीज था. ये क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से कि मिड वैल्यू दे देगा, बोलेगा क्लास इंटरवल बताओ क्या होगा. तो सबको आ गया समझ में ये चीज? कहाँ था जी स्वयं? सो रहा था? यस सर. सर भूल गया था कि आज क्लास है, मेरे को लगा कल क्लास है. चलो ये चीज आ गया समझ में. स्मृति समझ गई, रिद्धिमा, प्रवीण? यस सर. अंशुल? हेलो सर. समझ गया सर? नेट बहुत खराब आ रहा आज. ओहो चलो कोशिश करो फिर, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखोगे. डाउट के लिए आया करो यार, अगर वैसा कुछ इशू हो रहा है तो. डाउट हम लोग का ओपन है क्लास में, यहाँ पे आकर के डाउट पूछा करो. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया सबसे. इतना जल्दी कैसे बनेगा सर? ठीक है बनाओ. एक्सक्यूज मी सर. बोलो सर. आप टाइम नहीं बताए. क्या चीज का टाइम? अरे अरे ठीक है, मैसेज कर देंगे. बनाओ ये क्वेश्चन, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ढूंढते हैं. क्वेश्चन कहाँ गया? इधर है. सर बन गया. ओके. अगर क्वेश्चन नंबर 10 बन गया तो क्या करूं? सब बना ही दोगे तुम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो तो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स. इतना 20 to 30 नॉट इंक्लूडेड. 30 नॉट इंक्लूडेड मतलब तुम्हारा वो तो समझ ही गया कैसा बनाना है, 20 to 30, 30 to 40 ऐसा करके. ठीक है 12 भी बन जाएगा. फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. 15 जरा बताना. अच्छा पहले 10 नंबर बता लो एक बार, किसी से नहीं बना तो बताओ. 10 नंबर बन गया, अध्याय से बन गया. अंशुल, हिमांगी बन गया 10? नो सर. लक्ष्य? यस सर. प्रवीण? यस सर.
10 नंबर बन गया थोड़ा सा अगर फ्री टाइम हो तो एक बार फिर से 15 बनाना है क्या कंटीन्यूअस सीरीज बता सकते हैं नहीं समझे क्या बोली सर आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो सर पिछले क्लास में जो आप डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा भी जो बताए थे वो फिर से बता सकते हैं एक बार अच्छा वो क्लास इंटरवल वाला जो डिफरेंट क्लास इंटरवल होता है जैसे 20 से 30 और फिर 31 वाला ऐसा करके सर थ्री टाइप ऑफ सीरीज जो थे अच्छा ठीक है बता देंगे सर 15 क्वेश्चन कहाँ है हाँ नीचे बाकी से बना रिद्धिमा तुमसे बना क्वेश्चन नंबर 10 नहीं सर क्या दिक्कत आया बताओ बताती नहीं है स्वयं सर बना रहा अभी ठीक चलो ठीक है बन जाएगा 10 हाँ जी रिद्धिमा बताओ क्या दिक्कत आ रहा है जल्दी बताओ सर हमको नहीं पता इसके आगे क्या करना है सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल के हम बैठे हैं लोअर लिमिट पहले इंटरवल का कितना हो जाएगा बताओ क्लास इंटरवल 20-20 का रखना है तो 60-80 आया लोअर लिमिट अपर लिमिट पहला इंटरवल का तो 60-80 आ गया अब रेंज निकालो इसका इसके बाद क्या इसमें करना है रेंज कितना होगा रेंज निकालो जो काम क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन के लिए वही काम करना है इसमें भी अब बनेगा हाँ सर अब बन जाएगा ले तो फिर इसमें क्या था यहाँ तो देखो तुमको जब इंटरवल पता चल गया तो फिर क्या ही दिक्कत है 60-80 फिर 80-100 100-120 और 120 से मैक्सिमम 140 इतना इंटरवल बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी लिख दो यही तो करना था इसमें चलो ठीक है फिर 15 बताओ 15 बनाओ फटाफट बन गया सर बन गया सर ओके हाँ ये तो बता ही रखे थे ना विड्थ ऑफ क्लास लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे दो कंसेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस ही विड्थ ऑफ क्लास होता है बताया था यस सर हाँ तो 15 तो हो ही गया याद रखना इसे फॉर्मूला अगर तुम्हारा क्लास मार्क दिया हुआ है तो विड्थ ऑफ क्लास कैसे निकलेगा तो दो कंसेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस ही विड्थ ऑफ क्लास दे देता है हम इंटरवल भी निकाल लिए इंटरवल हाँ इंटरवल भी निकाल ही लोगे क्लास साइज हो गया यहाँ पे 7 हो जाएगा क्लास साइज निकाल लेना 15 हो गया 16 हो गया फाइंड द क्लास साइज एंड द क्लासेस ये भी हो जाएगा 18 19 ठीक है ये सब होमवर्क दे देंगे सर हाँ बोलो 15 नंबर क्वेश्चन में क्लास मार्क सारे क्लासेस का क्यों दिया हुआ है केवल दो का भी दे तब भी निकल जाए हाँ वो दे दिया यार यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी होना चाहिए था क्लास इंटरवल निकालो और क्या उसके लिए सारा का जरूरत पड़ता क्लास इंटरवल के लिए ना हाँ इंटरवल के लिए बोल रहे हैं वही इंटरवल के लिए तो हर कुछ चाहिए होता है उसमें क्लास इंटरवल भी निकाल लेना होता और क्या तो भाई यही सब था तुम्हारा सर इतना सारा होमवर्क में नहीं करेंगे अरे यार देंगे भी नहीं ये चैप्टर में हम तुम लोग का दिमाग थोड़ी खराब करेंगे कुछ कुछ एक काम करना प्रायोरिटी अपना एनसीईआरटी रखो क्लास 9 का एनसीईआरटी का क्लास 9 बना जाओ पूरा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम मेन मीडियन मोड में भी करवाएंगे इधर क्या ही कराने का है ईरर का क्वेश्चन आता है मेन मीडियन मोड में वहां पे जब हम शुरू करेंगे ना तो उस जगह पे हम करवा देंगे चलो फिर तो ये सब तुम लोग अब बना सकते हो मेरे पास भी उतना कुछ है नहीं इसमें करवाने को अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे शुरू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे मूव करते हैं
ये चीज बहुत अच्छे से सीखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अच्छे से सीखना है तुम लोगों को, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन करता है ये, तो इस चीज से दूर बचना है। हाँ एक मिनट इसका डाउट खत्म कर ले। क्या था तुम्हारा हिमांगी डाउट? मतलब जैसे ऐसा वाला इंटरवल देखिए ना, 60 से 80 फिर 81 से कितना हो जाएगा, 20-20 का इंटरवल है, क्लास साइज है। सर ये तो कंटिन्यूअस सीरीज हो गया ना। कंटिन्यूअस कहाँ से, 60 से 80 है, यहाँ 81 आ गया। जैसे यहाँ से 61 से 80 है, अब यहाँ पे 81 आ गया, 81 से लेकर के 100, फिर यहाँ पे आ गया 101 से लेकर के 120, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस इसको बोलते हैं। 60 से 80 है तो अगला शुरू हुआ 80 से 100, फिर उसके बाद गया 100 से 120। क्या दिक्कत आ रहा था तुमको? सर बट बुक में सर 1 to 10, 11 to 20 दिया, फिर 21 to 30। हाँ तो वो तुम्हारा 1 to 10 फिर 11 to 20 दे रखा है, फिर 21 to 30 दे रखा है, तो ये तुम्हारा हो गया ये ये तुम्हारा इंक्लूसिव हो जाता है, इंक्लूसिव वाले में आ जाता है, क्योंकि इसमें 1 भी इंक्लूड होता है, 10 भी इंक्लूड होता है, और ये पोर्शन तुम्हारा एक्सक्लूसिव में आता है। क्या कंफ्यूजन है बताओ? सर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, सर पिछला लेक्चर देख लेंगे। क्या क्लियर नहीं हो रहा है? मतलब दो तरीके से तुमको, देखो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे सीरीज में, मतलब तो सुनो, हाँ सुनो पहले, देखो दो तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, और इस ग्रुप में तो दो तरीके का आता है, एक आता है एक्सक्लूसिव और एक आता है इंक्लूसिव, ठीक है। अब जो अनग्रुप्ड वाला होता है वो तो आसान होता है, जिसमें टैली मार्क वगैरह तुम करती है, जैसे कुछ भी डेटा दे रखा है 5, 6, 8, 9, 8, 7 ऐसा करके, तो उसमें क्या करेगी, सिर्फ यहाँ पे 5 लिखेगी, 6 लिखेगी, 7 लिखेगी, 8 और 9। ग्रुप में क्या टैली मार्क नहीं होता है? हाँ ग्रुप में भी होता है, ग्रुप में, हाँ ग्रुप में भी, तो यार टैली मार्क के लिए करना ही क्या है, फ्रीक्वेंसी वो तो कहीं भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये तुम्हारा ग्रुप में चला गया, 5 में कितने हैं, 6 में 1 है, 7 वाले 1 है, 8 वाले 2 है, 9 वाले 1 है, इसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। उसके बाद जो अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें दो तरीके का चीज आता है, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। जो एक्सक्लूसिव वाला होता है उसमें हम लोग लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट को हटा देते हैं, और वो कैसा दिखता है तो इस तरीके से 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, इसको ही कंटिन्यूअस बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस, जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट जहां पे खत्म होगा, नेक्स्ट इंटरवल का लोअर लिमिट वही चीज होगा, ठीक है, और इसको दूसरे टर्म में एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करने का सेंस, जैसे तुम्हारा डेटा दे रखा है 20, 30, 20, तो जो पहला इंटरवल है इसमें फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे, तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 30 वाला नेक्स्ट वाले में काउंट होगा, और इंक्लूसिव जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा तुमको 21 to 30, लेकिन नेक्स्ट अब 31 to 40 चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद 41 to 50 चला जाएगा, और इसमें दोनों इंक्लूड होता है। तो अब 21 to 30 में इसमें देखना होगा, यहाँ पे 20 है लोअर लिमिट, तो चेंज कर लेना उस हिसाब से। सर हाँ सर, ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ग्रुपिंग इस प्रकार से होता है कि 25 to 30, 35 to 40, 45 to 50? 25 to 30, 35 to 40, इस टाइप का? अरे ये हम इसको चेंज करना तो बता ही दिए थे ना, ऐसा कम मिलता है, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस किया था, याद है? जब जो हम बोले थे ये चीज मत याद करके बैठ जाना कि 0.5 को एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना, जब तुम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के लिए, जब इस तरीके का डेटा होगा तो चेंज कर लेंगे, बस पूछ रहे कैसा होता है।
नहीं यार, बहुत कम दिखता है, बहुत कम ही देखा है। अब हो भी सकता है, करने वाले का क्या है, जैसे डेटा दे रखा उसमें 30 से 35, देखो होता कुछ नहीं है, होता क्या है एक्चुअल में ना, 25 से 30 है, लेकिन जो 30 से 35 है यहाँ पे 0 लिख देगा फ्रीक्वेंसी को, और जो 35 से 40 है उसका फ्रीक्वेंसी कुछ होगा। ये इसलिए नहीं ऐसा बनता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मतलब 30 to 35 काले के बीच में एक भी नहीं लो, एक भी डेटा नहीं होगा। लेकिन जो तुम्हारा सब अच्छा तरीका ये होता है कि वहां पे तुमको वो चीज मेंशन करना है और फ्रीक्वेंसी के बगल में 0 लिख देना है, फ्रीक्वेंसी के सामने, ठीक है, समझे? यस सर। सर कभी ऐसा होता होगा कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है कंटिन्यूअस से लेकिन बीच में आके वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए? नहीं नहीं नहीं, वैसा क्यों करेगा भाई, वो तो फिर इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ देख, स्टैटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, इसमें तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, नो डाउट। ऐसा भी हो सकता है सर, वैसा भी हो सकता है सर, फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन में हो सकता है सर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। चलो और कुछ पूछना है तो पूछो, तुम्हारा क्लियर हुआ डाउट हिमांगी, या अभी भी कंफ्यूजन में है? सर थैंक यू। हो गया क्लियर? हाँ सर, मे बी, अभी भी मे बी में है। और ये इंक्लूसिव्स को एक्सक्लूसिव में सर अपने सेंसेस में नहीं है सर, मेरे को तो लग रहा हम समझ गए, हम एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे बुकलेट से। हाँ ठीक है, और इसमें एक साथ ही साथ ये भी देख लेना इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कैसे किया जाता है, उसके लिए हम फॉर्मूला बता दिए थे, बट ठीक है एक बार देख लेना। चलो बढ़िया, एक बार सबका रिविजन भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे मूव करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, होता क्या है एक्चुअल में, डेफिनेशन कोई बता सकता है इसका क्या? डेफिनेशन देख लो यार बुकलेट में ही क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो हम अच्छे से बता देंगे। डेफिनेशन समझना है तो बुकलेट से ही देख करके समझ लो, इसका डेफिनेशन तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है। फ्रीक्वेंसीज अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट क्लास, क्या बोल गई, ये देख क्या क्या दे रखा है, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लास एंड द पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस क्लास और अपकमिंग क्लास के, उन दोनों को फ्रीक्वेंसी को ऐड करना ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है, वैसा कुछ है, ठीक है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमको आगे जब पढ़ोगे तो उसमें दो तरीके का मिलेगा, एक लेस देन टाइप मिलेगा और एक मोर देन टाइप मिलेगा। क्या क्या, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का मिलता है, तो पहले सीख लो। कितने को आता है ये, लेस देन और मोर देन वाला आता है सबको? यस सर, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इससे रिलेटेड। हाँ ठीक है, आता है सर, लेकिन कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बीच में। हाँ इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन किस मायने में, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा मिलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, वहां से मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा और वहां से बोलेगा ग्रुप में पहुंचो, वो बहुत ही लेंदी, वो बहुत माथा खराब करने वाला होता है। लेकिन ग्रुप से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहुंचना वो आसान सा काम है। अब कैसे करना होता है वो हम तुम लोग को सिखा दे रहे हैं, और अच्छे से सीखना, मोर देन लेस देन वाला यूज इसी में आता है। कहीं भी कंफ्यूजन होगा एक एक करके आराम से पूछते चलना, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज क्लास 10 के बोर्ड में एकदम धड़ल्ले से पूछता है, उसी बेस पे बोल देगा मीन निकाल, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो पढ़ना होता है ना क्लास 10 में, वो सीधा 4 नंबर का पूछता है और हर साल पूछता है, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा यूज है। तो इस चीज को अच्छे से सीख लेना आज, जिसको आता है उसके लिए रिविजन होगा, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से समझना। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो डेफिनेशन एक बार देख लेना, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कुछ इंटरवल है और उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, जैसे 20 से 30 का 10 है, इसका 4 है, इसका 5 है और इसका 6 है, ये इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्लास इंटरवल, और ये हो गया उस इसका फ्रीक्वेंसी। अब तुमको इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है,
क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा लेस देन टाइप का निकालो और मोर देन टाइप का, तो क्या करना है अभी हम उस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेस देन मोर देन इसके बाद सिखाएंगे। तो बस तुम्हारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, बोल दिया इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के दिखाओ, तो तुमको कुछ नहीं करना है। जो पहला इंटरवल है, पहला जो इंटरवल है इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे का वैसा ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, मतलब उस इंटरवल का और इसके पहले वाले इंटरवल का, तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट का इंटरवल का क्या होगा, तो अब तीनों फ्रीक्वेंसी ऐड कर देना, 10, 14 और 5, ये कितना दे देगा 19, और जो नेक्स्ट है उसके बाद फिर सारे को ऐड करो, तो 10, 14, 5, 19, 6, 25, यही तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तुम्हारे नाइन्थ में बस यही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। नाइन्थ में तुमको सिंपली यही बोलेगा, क्लास इंटरवल दे देगा, बोलेगा इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, लेस देन टाइप और मोर देन। लेस देन मोर देन है क्या? हाँ है सर, है। अच्छा अच्छा, फिर है तो वो भी सिखाई देंगे, मुझे ध्यान में नहीं था इस चीज का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही चीज होता है, तुमको क्या करना है सारे। अब ऊपर वाले में 10 है, इसका कहने का मतलब जैसे 20 से 30 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तुम्हारा 10 से 20 होगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए जो 20 से 30 था उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 ही रहेगा। सर, हाँ, क्लास 11 और 12 में है क्या स्टैटिस्टिक्स? हाँ भाई, वो है, सब है, वहां पर भी ये सब कांसेप्ट काम आएगा। हाँ, इसलिए तो सीख लो अच्छे से, अब वहां पे जब पढ़ोगे तो उसका डेटा क्या ही दे देगा वो, तो फिर जब पढ़ोगे तो मजा आएगा, लेकिन वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज रहेगा, तुम्हारा जो मीन मीडियम का ये सब का फॉर्मूला होता है उसका यूज आता है। तो एक तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, क्या किया वो समझ में आया, सारे अपने फ्रीक्वेंसी को बस ऐड करते चले जाना। सर, हम जगह देखे, एक जगह देखे था कि मीन मीडियम मोड को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन रहता है, लेकिन वो एक ही जगह काम आता है जहाँ पर एक ग्राफ, वो डाटा का ग्राफ जो है वो पर्टिकुलर को एक कर्वेचर देता है तभी। वो आगे जब कभी जाओगे तो दो तरीके का चीज पढ़ना होता है, एक इम्पेरिकल फॉर्मूला टर्म यूज होता है, ठीक है, एक इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इम्पेरिकल फॉर्मूला का केस अलग होता है। तो जो मीन मीडियन मोड का रिलेशन सब होता है ना, वो इम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड होता है, वहां से हर कुछ नहीं सॉल्व किया जाता, जब हम रिलेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे वो सब कुछ हम बता देंगे, सब्र करो भैया, सब्र करो। सर, वही पूछ रहे हैं, कुछ वैसा भी ग्राफ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना होता है क्या 11 12 में? 11 12 में यार क्या क्या पढ़ना है वो तो एक बार देख लेना, मुझे याद नहीं है 11 का स्टैटिस्टिक्स, उसको हम इग्नोर कर दिए थे, इग्नोर करने के ही चक्कर में खराब किए थे अपना। कुछ तो होगा ही, उसका ध्यान में नहीं है, फिर हम क्या गलत क्या बता दे। चलो ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बताओ किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है डाउट? हाँ, एक चीज और याद रखना, जैसे क्या हो गया, इसमें लाइन नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, हम एक चीज ये बोल रहे थे, जैसे तुम्हारे पास डेटा गिवन है और जैसे इस सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो ये कितना हो रहा है, 10, 4, 25 हो रहा है, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे और जो सबसे लास्ट क्लास इंटरवल होगा उसका वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी का समेशन है, जैसे इस सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड किए तो ये 25 आया, और इस तरफ देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ लिखे क्लास फ्रीक्वेंसी है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया लास्ट इंटरवल का वो तुम्हारा इस फ्रीक्वेंसी, ये सारे फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे 25 के जगह पे 24 आ रहा है तो इसका मतलब तुमने एडिशन में कहीं ना कहीं गलती किया है। तो एग्जाम में बनाने के टाइम ये चीज अपने दिमाग में रखना, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट इंटरवल का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा और जो समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी रहेगा, समेशन, एक मिनट, समेशन रहेगा फ्रीक्वेंसी का, वो दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, इस चीज को दिमाग में रखोगे, ठीक है। हाँ आप बोलो लक्ष्य। सर, कोई टेबल बनाते हैं तो एग्जामिनर जो है सबसे पहले किस चीज को देख के हम लोग को मार्क्स देता है, टोटल को देख के?
आंसर को देख करके कि हाँ मील कितना नहीं सर, टेबल पूरा थोड़े दिखेगा सबका, तो बोले तो आंसर देखता है कितना, जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट उसका आंसर क्या आया, आंसर अगर मिल गया हाँ भैया ऐसा ऐसा, चार बार टिक करेगा और चार नंबर। जब टेबल चेक करता है, जब टेबल बनाने बोला जाता है तब क्या दिक्कत, टेबल जब टेबल बनाने बोला जाएगा तो तुमको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं है, और क्या। अब मेरे जैसा एग्जामिनर रहेगा तो फिर एक चीज दिखेगा, अब तो थोड़े पगले टाइप के। इतना सौभाग्य नहीं है कि सब बिना देखे टिक करके चार नंबर दे दे। अब तो अच्छे से देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे गलती हुआ है, अरविंद से पूछना, उसका कैलकुलेशन मिस्टेक में अगर पॉइंट भी गायब कर देता तो उसका नंबर काटते थे, बोलता है सर आप मेरे साथ बहुत अन्याय करते हैं, बोले कहीं तो नंबर काटे तुम्हारा। चलो ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव था, अब कहीं पे तुमको बोलेगा उसका तो सर आप पॉइंट पे मार्क्स काटते हैं, मेरा तो सर कुछ बोलने का ही नहीं है। लेस देन, ठीक है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप में अरेंज करने बोलेगा, तो इस चीज को ध्यान से समझना, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप में अरेंज करने बोलेगा। तुम लोग लिखता है ना जी कोई भी टॉपिक के ऊपर VVI, तो इसके ऊपर लिख लो VVI ऐसा करके, बहुत जरूरी है। तो एक तो हाँ, एक चीज अब एक चीज और याद रखना, कभी भी तुम्हारे एग्जाम में मेंशन नहीं किया है कि इस डेटा को किस तरीके में अरेंज करो, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप, तो हमेशा तुम ये जो हम सिखाए हैं इस चीज को फॉलो करना, अगर मेंशन नहीं है तो यही काम करोगे, मेंशन है तो वो तो अभी सिखा रहे हैं वो सीख लेना, मेंशन नहीं करेगा तो ये काम करेगा हमेशा, ठीक है। क्लियर है सब कुछ, स्मृति रिद्धिमा बोलो फटाफट, प्रवीण प्रवीण, हिमांगी सब समझ में आ रहा है, अध्या यस सर, हाँ सर, और कौन है जी, अंशुल यस सर, चलो ठीक है। तो अब लेस देन टाइप और मोर देन टाइप पे मूव करते हैं, हमारे पास टेबल यही है, इसको लेस देन में पहले कन्वर्ट करना है, क्या करना है, लेस देन बता दे पहले, चलो नहीं पहले मोर देन सीखो फिर समझने में आसानी होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, पहले मोर देन जान लो फिर लेस देन जानना। तो देखो मोर देन टाइप और लेस देन टाइप होता क्या है, जो तुम्हारे पास ये टेबल था फिर से बनाना पड़ेगा ना, ठीक है तुम लोग फिर से बना लेना। हाँ ये जो टेबल था इसको क्या करना है, अपने को मोर देन टाइप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो करना कुछ नहीं सीख लो, मोर देन टाइप में बदलना है तो अब बनाना शुरू करो टेबल पहले, तो सबसे पहला जो इंटरवल लिखोगे, इंटरवल तो अब नहीं रहेगा तुम्हारा, बनेगा पहले क्लास इंटरवल का जो 20 टू 30 है वो जाएगा मोर देन 20, नेक्स्ट इंटरवल क्या जाएगा जो लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट मोर देन टाइप में वही लिख देना, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 एंड मोर देन 50। अब इसका तुमको फ्रीक्वेंसी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो कितना कितना लिखोगे, तो देखो मोर देन 20 की बात करें तो ये सारा, ये जितना भी फ्रीक्वेंसी था वो सब इंक्लूड होगा या नहीं होगा बताओ, मोर देन 20 का बात करें, जैसे तेरे ही क्लास में 0 से 50 मतलब 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, इसमें से किसी को 0 आया, किसी को 10 भी आया, किसी को 15 भी आया, ठीक है 0 नहीं 1 आया, तो अब तुमसे पूछा गया कि भैया बताओ तुम्हारे क्लास में मोर देन 0 लाने वाले कितने स्टूडेंट हो, तो क्या बोलोगे कितने स्टूडेंट होंगे, क्लास का नहीं पहले सुन ले, क्लास का स्ट्रेंथ है 25, तेरे क्लास में 25 स्टूडेंट, तो सारे के सारे बोलोगे, तो
जो सबसे पहला इंटरवल था मोर देन 20, तो उसमें क्या होगा, ये सारा का सारा फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगा या नहीं होगा? होगा, यस सर। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 25। अब मोर देन 30 है, तो मोर देन 30 में जो ये 20 to 30 वाला इंटरवल था, ये क्या इंक्लूड होगा? अब नहीं, नहीं होगा। तो क्या करोगे, 25 में ये 10 को माइनस कर देना, तो मोर देन 30 में कितने स्टूडेंट हो गए, तो 15 स्टूडेंट हो गए। मोर देन 40, तो मोर देन 40 में ये दोनों गायब हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। तो फिर 25 में कितना माइनस कर देना, 25 में 14 माइनस कर देना, तो 25 में 14 माइनस करोगे तो 11, और मोर देन 50 में वहां तो 6 के 6 ही रहेंगे। चेंज करेगा क्या नहीं करेगा बताओ, क्लियर हुआ ये चीज? यस। सबको आया समझ में? बताओ सर। ठीक है, मोर देन ये होता था। सर एक डाउट है। क्या डाउट है सर? जैसे यहाँ लिखा है मोर देन 50, मतलब 50 से ज्यादा किसको आया होगा, लेकिन ये 50 टू 60 के इंटरवल में तो जिसको 50 आया होगा वो भी इंक्लूड हुआ होगा ना? तो लेकिन यहाँ तो मोर देन 50 लिखा हुआ है। हाँ तो 50 ये कौन सा इंटरवल है, इंक्लूसिव ही चल रहा है ना, सॉरी एक्सक्लूसिव चल रहा है ना, ठीक तो है, क्या दिक्कत इसमें? बताओ इसका मतलब 50 से ज्यादा किसको आया, लेकिन 50 इंक्लूड कैसे हो गया? यस सर यही तो पूछ रहे हैं। मोर देन 50, मोर देन 50 में, हाँ 50 से ज्यादा होना चाहिए ना, यहाँ पे 6 लिख रहे हैं तो फिर नहीं, ठीक ही है, ऐसे ही रहने देना इसको, कुछ करना नहीं जाना। मोर देन 20 आंसर है कि मैं इंग्लिश को नहीं मानता। बोल सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही चल रहा है इधर तो भाई। देखते हैं एक एग्जांपल पहले कर लो फिर बता देते, एक एग्जांपल बनाओ इस पे। कहां गया पर? हाँ बोलो। मोर देन वाला में नीचे से बनाना ज्यादा कन्वीनियंट होगा, और लेस देन वाला ऊपर से। हाँ ये तो नीचे से ऊपर ऐड करते चला गया, 6, 5, 11, फिर जो यहाँ पे आया उस पूरे को ऐड कर लो। कन्वीनियंट क्या होगा, तुम्हारे ऊपर है, तुमको कोई और ट्रिक नजर आ रहा है तो वो अपना यूज कर लो। जैसे एक क्वेश्चन इसमें बना लो फटाफट, मोर देन वाला कुछ है। यही तो चैप्टर जिसमें ट्रिक नहीं, केवल ऑब्जर्वेशन चलता है। हाँ एक मिनट रुक जाए, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे, कर लो। जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 है, तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि मोर देन में ले जाना है या लेस देन में ले जाना है, तो जो तुम्हारा सबसे पहला वाला मेथड था उसी को यूज कर लेना। यहाँ पे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे ना, यहाँ पे तो तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो 10 से 20, तो उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 और 6 ऐड करोगे, सीधा 9 लिखोगे। ये मोर देन और लेस देन में वो चीज बदल जाता है, तो मोर देन लेस देन का क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पे तुमको ये टेबल, हाँ एक, हाँ बोलो सर। जैसे कहे कि लेस देन 50 में 50 को इंक्लूड नहीं किए, ये सर अगर वैसा होगा तो मान के चलिए कोई टेस्ट है, टेस्ट में मोर देन 0 मोर देन 10 इस टाइप का बाय चांस किसी बच्चे को 0 आ जाता है, तो उसका क्या लिखेंगे, मोर देन माइनस 10? तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक दे सकते हैं स्टेटमेंट फेवर में। देखो लिमिटेशन है यार इस चैप्टर के, बहुत सारे लिमिटेशन। फेवर अगेंस्ट क्या है, डिबेट थोड़ी चल रहा है कोई। बहुत सारे लिमिटेशन है, उसको भी ध्यान में रखना इसमें। चलो कोई क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है मोर देन और लेस देन में कन्वर्ट करने वाला हो सर, लेकिन अब हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। रुको उसका हम बता रहे, एक मिनट सोचने दो यार मुझे भी, कोई कोई क्वेश्चन ये सोचना पड़ जाता है ना।
तब तक एक दो क्वेश्चन पहले कर लो, हम उसका दे रहे बता रहे सॉल्यूशन क्या है एग्जैक्टली. कोई एक डेटा यहीं से उठा लो ना, उसी का कर लो, इसी का करके देखो. क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉकेट एक्सपेंस दे रखा है और उसके फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, करके देखो. तो 5 नंबर वाले का हम बता रहे तुम्हारा क्या सॉल्यूशन है. इसमें खाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, नहीं मोर देन में कन्वर्ट करो. अच्छा ये तो अनग्रुप डेटा वाला चला गया है. हाँ ठीक है, मोर देन सर डायरेक्टली का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मोर देन में करेंगे कि लेस देन. इसको बनाओ 20 को. मैं तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. अबे तुम बनाओ ना, मोर देन टाइप में बदलो ना कुछ. इसका लिमिटेशन है तो इस चैप्टर के कुछ फायदे भी है, वही सब है. कोई भी क्वेश्चन दे सकते हो, मोर देन में बदल लो फटाफट. ठीक है, कम लिखना, गलत बता रहे थे हम. मतलब जैसे यहाँ पे मोर देन 20 है ना, तो इसमें, लेकिन यार इसमें एक चीज क्लियर नहीं हो रहा है. अगर हम यहाँ मोर देन 19 लिख दें कैसे पता चलेगा? वही तो एक मिनट रुको. अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम मोर देन 19 लिख दें, ठीक है, तो 19 तो इंक्लूड नहीं होगा इसमें, बताओ. अगर मोर देन 19 लिख दें तो 19 तो है ही नहीं, तो वो तो ऐसे भी इंक्लूड नहीं होना है, लेकिन ये पूरा का पूरा तो आएगा. यहाँ पे मोर देन 29 करे तो 30 वाला आ जाएगा ना, और इस जगह पे मोर देन 39 कर लो. लेकिन सर एक और प्रॉब्लम है फिर. बोलो. मोर देन 19 की है तो जिसको 19.5 आया वो किधर जाएगा? इसी में आएगा. अब देख यार, यही तो है ना कि अब टेबल कैसा है तुम्हारे पास. अब 19.5 आया नहीं आया इस पे हम क्या कमेंट करेंगे बताओ तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारे पास उस तरीके का डेटा अवेलेबल नहीं है. अनग्रुप डेटा अवेलेबल है क्या? सर ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा बुक में जैसे लिखना वैसे ही कर लेते हैं. तो यही कर लो. देखो जो तुम बोल रहे हैं ना 19.5, तो अपने पास डेटा है क्या अवेलेबल? अब 19.5 आया है नहीं आया है हम उस पे क्या ही बोलने जाएंगे. तो जैसा लिख रहे हैं वैसा कर लो. 19 लिख लेना, 29 लिख लेना, यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, बताओ. नहीं. बस ठीक है सर. सर तो फिर सर सेटिस्फेक्शन के लिए बस इतना मान लेते हैं कि मोर देन इक्वल टू लिखा हुआ है. हाँ ये कर सकते हैं. मोर देन ही रखो ना, वो 19 कर लो वहां पे, 19 कर लो, 29 कर लो, 39 एंड 49 कर लो. लिखेंगे तो मोर देन, लेकिन इमेजिन करेंगे इक्वल टू. कर लेना इमेजिन, ये कर लेना, एक एक कम कर लेना. नहीं नहीं सर 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 आर एस अग्रवाल में ऐसा क्वेश्चन है सेम, ठीक है, उसमें वैसे ही किया जैसा था. लोअर लिमिट ही लिखते हैं हम, मुझे तो यही पता है. हाँ हाँ लोअर लिमिट ही है, पूरा का पूरा लोअर लिमिट ही लिखा जाता है. लेकिन तुम अलग अलग बुक में पहुंचोगी ना, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज करेगा. तुम देखना कोई और बुक. लोअर लिमिट ही लिख लेंगे हम. हाँ तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि हम जैसे मेरे को याद है हम अपने टाइम में आरडी शर्मा सॉल्व करते थे, तो वहाँ पे मोर देन वाले में ऐसा लिख देता था. लेकिन वही कहीं कहीं पे वो चीज जो तुम जो बोली वहाँ पे कहीं कहीं पे वहाँ पे मोर देन 20 ही लिखा जाता था. तो हमने सर मैम पढ़ाती थी मेरे को मैथ, मैंने उनसे क्लियर किया था, तो बोली कि मैक्सिमम बुक में लोअर लिमिट इंक्लूड किया जाता है. मैक्सिमम बुक में बहुत ही
कोई कोई रेयर बुक होता है जिसमें इस तरीके से लिखता है, तो इस वाले को ज्यादातर गलत ही कर देते हैं लोग। तो अब तुम्हारे ऊपर है, गलत करना है सही, तो सही करना है तो फिर वही लिखो, मोर देन 20 वाला ही लिखो। सही करना है हाँ, तो वही लिखना। देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसका आंसर सिंपली यही है कि अपने को पता नहीं है एग्जैक्ट डाटा क्या है, 20 वाले कितने हैं, 30 वाले कितने, ये सब का आइडिया ही नहीं है, इसलिए बस जो सिखा है वो कर लो। ठीक है, खिचड़ी पक गया सबका या समझ में आया? मेरा तो पूरा गया। पहले एक बार सबसे क्लियर कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा ये हो गया है, मैसअप हो गया बहुत ज्यादा यहाँ पे। तो सबको बताओ जी, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ बताओ। अंशुल, अंशुल तुम बताओ। अरे यार आवाज नहीं आया तेरा कुछ भी, गाना वाना सुन दिया। चलो ठीक है, हिमांगी तुम बताओ। सर मेरे को तो समझ नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में बताओ। सर ये मोर देन टाइप वाला पार्ट। हेलो हेलो हाँ बोलो। सर मेरा नाम लिए थे किस लिए? पूछ रहे थे समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया। चलो ठीक है, ठीक है सीख लो मोर देन लेते। देखो वो जो हम एक सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछे थे, जैसे एक तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल है, तेरे क्लास का मैंने बोला था कि जी 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है ध्यान से समझना फिर से। एक डिस्क्रीट डेटा लिखते हैं, ग्रुप में लिखते हैं, किसी को 10 आया 11 आया, चलो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन सब क्लियर होगा, 12 आया 15, स्ट्रेंथ कम कर लेते हैं स्टूडेंट का, नहीं तो हमको डेटा लिखने में दिमाग खराब हो जाएगा, 20 स्टूडेंट लेके चलते हैं। 10, 11, 12, 15, 17, किसी का 18, किसी का 14, 6 नंबर वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, 20 में भी हैं, कितना डेटा हो गया जी, 3, 3, 6, 3, 9, 11, छोड़ो 20 नहीं 15 करो, 11, 19, 17, 16, ठीक है ऐसा कुछ है। तो अगर हम तुमसे पूछ दे ये जो 50 मार्क्स का जो टेस्ट हुआ, ठीक है, और तुम्हारे क्लास के स्ट्रेंथ है 15, ठीक है, अब तुमसे पूछा जाएगा कि मोर देन जीरो वाले, मोर देन जीरो लाने वाले किसने स्टूडेंट है, तो क्या बोलोगे? मोर देन जीरो बताओ। अरे बोलो कोई। 15 बोलोगे, ठीक है। हम अब तुमसे मोर देन, अब वही है कि इसका अब इंटरवल क्या बनाओगे उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब एक इंटरवल इसका बना के देख लेते, जैसे इसका हम क्लास साइज, पहले तो इंटरवल बना लो, जैसे इसका क्लास साइज रख लो, हम लोग खुद से कितना रख ले बताओ, बताओ बताओ, क्लास साइज 3 रख ले, 5 में फिर 3 तो इंटरवल ही आएगा, 3 रख लेते हैं, क्लास साइज 3 रखते हैं तो इसका रेंज कितना है बताओ जरा, 20 और 4 है, 16 है रेंज, तो 5.5 यानी 6 इंटरवल जाएगा, अप्रॉक्स 6 ही जाएगा ना, तो 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 और 19 से लेकर के 22, 4 से 7 में कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 है ना, 7 से 10 में देखो जरा कितना है जी, 7 से 10 में 1 है, 10 से 13, 7 से 10 में तो 0 है, 10 से 13 में 1 2 3 और ये 1 4, 13 से 16, 1 14 ही है सिर्फ, 16 से 19 में कितना है, 1 2 3 4 5,
और 19 से 22 में, अच्छा 19 से 4 होगा, 19 से इंक्लूड नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा, और 19 से 22 में 2 हो गया है ना, 4 4 8 2 10 11 3 14, कहीं गड़बड़ हो रहा है, देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है, 7 से 10 में नहीं है ना, 13 से 16 में 2 होगा, 2 होगा, ठीक है अब तो ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ पे अब तुमको इसको मोर देन बनाना है तो ऐसे भी बेसिकली पूछे तो 4 से ही शुरू हुआ है तो 4 रखो या यहाँ पे 0 रखो, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले इंटरवल में क्योंकि वो सबको इंक्लूड कर लेगा, तो मोर देन 4 बोलोगे तो ये सारा का सारा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर वही है कि 4 कहाँ चला जाएगा, यही क्वेश्चन था ना तुम्हारा अध्याय, मोर देन 4 मतलब तो 4 से ज्यादा हो जाता है, नहीं नहीं मोर देन 4 मतलब 4 भी आएगा, तो अब ऐसा अजम्पशन लेके चलना कि मोर देन 4 अगर लिख रहे हैं तो उसमें 4 भी इंक्लूड करना है, मोर देन टाइप में ऐसा समझ के चलो, मोर देन टाइप को ऐसे सीख लो कि जो मोर देन टाइप का हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं उसमें लोअर लिमिट इंक्लूड होता है, क्या होता है लोअर लिमिट इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मोर देन 4 बोलेंगे तो अब तो 4 वाला फिर खत्म हो जाएगा ना, जो मोर देन 4 लिखा हुआ है उसका मतलब वो 4 से ज्यादा होता है, लेकिन हाँ ये चीज मुझे बता देना था कि जो मोर देन 4 लिख रहे हैं यानी सिंपली ऐसे याद रखो जो मोर देन टाइप का सीरीज बनता है उसमें लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हुए चलना होता है, जैसे हम मोर देन 4 लिख रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा तो 15 ही होगा, ठीक है। अब क्लियर हुआ कंफ्यूजन या अभी भी डाउट है, हिमांगी बोलो, हिमांगी बोल ही नहीं रही है, स्मृति, अंशुल, यस सर समझ गया, समझ गया ना, लोअर लिमिट हमेशा इंक्लूड रखना मोर देन टाइप में वाला वो जो था उसी टाइप, क्या वाला, नहीं सर कुछ जो क्यूमुलेटिव वाला था, क्यूमुलेटिव नहीं सर, एक तो अनग्रुप में पढ़ाए थे ना इंक्लूसिव मेथड, हाँ उसी में लेके चलते थे, मैं उसमें अपर लिमिट लेके नहीं, अपर लिमिट उसमें एक्सक्लूड करते हैं ना, लाइक इंक्लूड तो लोअर लिमिट ही हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे मोर देन 4 लिखे तो लोअर लिमिट इंक्लूड कर, ठीक है ये चीज दिमाग में रहना, लोअर लिमिट को अपने को इंक्लूड करना है और बाकी डेटा पूरा का पूरा बना जाता है, ठीक है अध्याय, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये चीज मेरे दिमाग से ये स्लिप हो गया था, ये मोर देन का ही ये थियरी ही है कि तुमको उसमें लोअर लिमिट इंक्लूड करना होता है, ये चीज ध्यान में रहता तो इतना लफड़ा ही नहीं होता, मोर देन में लोअर लिमिट इंक्लूड होता है और लेस देन में, अब जो लेस देन बनेगा आप देखो लेस देन का इसका टेबल कैसा जाएगा, तो लिखना लेस देन 7, लेस देन 10, लेस देन 13, उसी तरीके से लेस देन 16, लेस देन 19 और लेस देन 22, और लेस देन टाइप में, लेस देन टाइप में अपर लिमिट इंक्लूड होता है, क्या होता है अपर लिमिट इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, लेस देन टाइप में क्या होता है अपर लिमिट इंक्लूडेड होता है, तो कर लोगे लेस देन 7 तो कितने स्टूडेंट है 3 है, लेस देन 10 बोलेंगे तो जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था और इसके ऊपर जो था वो दोनों आएगा या नहीं आएगा बताओ, लेस देन 10 यानी 10 से कम नंबर लाने वाले कितने हैं, तो जो 4 से 7 के इंटरवल में जितने स्टूडेंट थे और जो 7 से 10 के इंटरवल में जितने स्टूडेंट थे वो दोनों इंक्लूड होगा ना, लेस देन 13, लेस देन 13 बोले तो ये इंटरवल भी आएगा, इसके ऊपर वाला भी फ्रीक्वेंसी वाला आ जाएगा और उसके ऊपर भी चला जाएगा, तो लेस देन 13 में तुम्हारा यहाँ पे 4 था और ऊपर 3 है तो 4 और 3 7, इस तरीके से सारा डिस्ट्रीब्यूशन लिखते चले जाना, क्लियर हुआ ये चीज या अभी भी दिक्कत है तो पूछ लो एक एक करके बताओ, अध्याय क्लियर है, हाँ ठीक है, अंशुल,
हाँ सर। हिमांगी? यस सर। ठीक है। लक्ष्य? प्रवीण? दोनों ने जवाब दिया। रिद्धिमा और स्मृति? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ तो एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेना और फिर अगले क्लास में हम लेस देन दिया हुआ है वहां से क्लास इंटरवल में कैसे पहुंचते हैं वो चीज सिखा देंगे। लेस देन और मोर देन दिया हुआ है तो वहां से हम लोग इंटरवल कैसे फॉर्म करते हैं वो चीज बता देंगे अगले क्लास में। ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं अब सर? क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो शायद हो जाएगा ठीक। हाँ हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर। अभिजीत या